न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 13 साल के लड़की की डेंगू से मौत, पति ने चोरी किए जेवर और मोबाइल, दो युवकों पर जानलेवा हमला। दर्शकों, अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर प्रभाग 15 निवासी 13 वर्षीय बालक की डेंगू सदृश बीमारी से मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक का नाम वैभव सुजीत गजभिये गौतम नगर जूनी छावनी निवासी बताया जा रहा है। नागपुर के निजी अस्पताल में बालक का इलाज चल रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में कामठी नगर परिषद के नागरिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रमुख शबनम खानूनी से बात करने पर उनके पास भी इस संबंध में कोई पुख्ता जानकारी अथवा रिपोर्ट नहीं प्राप्त होने की बात सामने आई है। वैभव कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था। उसके पिता सुजीत ओल्ड कामठी पुलिस थाने में कार्यरत हैं। डेंगू सदृश बीमारी से वैभव की मौत की खबर ने सभी को झकझोर दिया है। नागरिकों में नगर प्रशासन के खिलाफ रोष का वातावरण है। वहीं नगर सेवक भी नगर प्रशासन की लापरवाही इसे मान रहे हैं। दूसरी खबर, महिला के साथ मारपीट करने के बाद पति उसके जेवर और मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। हुडकेश्वर पुलिस ने महालक्ष्मी नगर न्यू नरसाला रोड निवासी मीना संजय राउत की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। महालक्ष्मी नगर निवासी मीना संजय वह किसी लैब में काम करती है। 20 से 21 अगस्त के बीच पति चेतन अनिल टेकाम शारदा चौक स्थित न्यू कैलाश नगर निवासी ने उनके साथ मारपीट और उसके दो मोबाइल तथा सोने के आभूषण ऐसे कुल 94,000 रुपए का माल चुरा लिया। शनिवार को सहायक उपनिरीक्षक शुक्ला ने चेतन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, जांच जारी है। तीसरी खबर, यशोधरा नगर क्षेत्र में दो दोस्तों पर जानलेवा हमला किया गया। घायलों के नाम समीर अहमद व यासीन शेख है। आरोपियों ने समीर को पहले जान से मारने की धमकी दी और फिर उसे चाकू घोंप दिया। समीर को बचाने दौड़े यासीन के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। समीर की शिकायत पर यशोधरा नगर पुलिस ने आरोपी सलमान अलसू उर्फ अफसर और राजा उर्फ आकिब पर मामला दर्ज किया है। हमले का कारण अज्ञात है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लाइक इन हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।